मात्रे नमः। मैं शिल्पा सिंह राठौर न्यूज बीके चैनल के माध्यम से आज आपके सामने एक बहुत ही गुप्त टॉपिक दीपावली के पर्व पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो प्राय आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही ज्यादा एक यूनिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या ये कहें ये उन टॉपिकों में से एक है जो आपको कहीं किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिला होगा और ना ही इस बारे में किसी के मुख से आपने सुना होगा। ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टॉपिक है और इसे जानकार लोगों ने जानकर छुपा के रखा है। दीपावली पर सनातन परंपरा में दीपक को एक विशेष स्थान दिया गया है। कोई भी पूजा या अनुष्ठान की शुरुआत हमेशा ज्योत जलाने से होती है, इसीलिए आज मैं बात करूंगी कि ज्योत आपको कैसे और किस तरह से प्रज्वलित करना है, जिससे आपके जीवन में अंधकार को हटाकर आप एक नया उजाला ला पाएंगे। आज शुरुआत करने से पहले मैं एक टिप आपको गणपति से रिलेटेड देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा और कोई भी साधना गणपति को साधे बिना अपूर्ण है। गणपति हमारे मूलाधार में है, यानी जो हमारे मूल का आधार है, हमारा बेस है, गणपति वहां के देवता है। तो कोई भी कर्म करने से पहले हमें गणपति को जरूर याद करना चाहिए, जो कि विघ्नहर्ता है। और क्योंकि आज का टॉपिक दीपक से जुड़ा हुआ है तो उसी पर मैं आज आपको पहली टिप दूंगी। आपको करना क्या है कि जिससे गणपति प्रसन्न हो सके, आपको वरदान दे सके, आपको प्रतिदिन दूर्वा का, जो कि एक घास होती है, उन पर गणपति को विराजित करना है और उनके सामने आपको दो मुखी वाला दीपक, दीपक की जो रुई होती है उसका जो मुख होना चाहिए वो दो मुखी होना चाहिए, और आपको वो प्रज्वलित करना है किसमें, नारियल के तेल में उसको प्रज्वलित करना है। और अगर आप नित्य ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपके विघ्न समाप्त हो रहे हैं। गणपति जी से ये जुड़ा हुआ जो सीक्रेट है वो आपको किसी भी किताब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये आगमों से निकाल कर मैं आपके लिए ला रही हूँ और ये पहली बार न्यूज पीके के माध्यम से आप सुन रहे हैं। चलिए दोबारा बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि आपको दीपक जलाना किस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं दिशाओं पर कि किस दिशा में आप दीपक प्रज्वलित करें और किस दिशा से आपको क्या लाभ मिलेंगे। नॉर्थ यानी उत्तर में अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे वो पूर्ण रूप से आपका सफल होगा, यानी उत्तर दिशा को सबसे उत्तम मानी गई है। अगर आप बात करें आगम एवं तंत्र शास्त्र में तो ये दिशा कार्य संपन्न एवं सिद्धि के लिए बताई गई है। अब बात करते हैं पूर्व दिशा की। पूर्व में अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपकी सेहत बहुत बेहतरीन रहेगी, आपके परिवार में खुशहाली रहेगी, और अगर आपके शत्रु बहुत हैं या आप पर कर्जा बहुत है तो आपको वेस्ट में यानी पश्चिम में आपको दीपक जलाना है। पश्चिम के जो ग्रह के देवता वो है शनि, यहाँ दीपक प्रज्वलित करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा। साउथ दिशा जो है वो यम की मानी गई है, यहाँ यम का वास बताया गया है, तो यहाँ पर आपको दीपक कदापि नहीं जलाना है सिवाय नरक चतुर्दशी की तिथि को। तो ये तो बात हुई दिशाओं पर। अब दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, जो प्राय हमें मालूम नहीं होती कि कितने मुख का दीपक हम जलाएं और इससे हम क्या लाभ उठा सकते हैं, इस पर अब हम बात करेंगे। एक मुखी दीपक या एक बत्ती का जब हम दीपक जलाते हैं, अपने घर में प्रज्वलित करते हैं, तो ओवरऑल ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत शुभ है, और इससे हमारे जीवन में, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि विराजित रहती है। अब बात करते हैं विशेष परिस्थितियों में जो भिन्न भिन्न मुखी का जो दीपक का प्रयोग किया जाता है हमें कैसे करना चाहिए। दो मुखी दीपक अगर आप जलाते हैं तो ये दीपक आपके अनिष्टों का निवारण करता है और पूर्ण रूप से पारिवारिक क्लेश और द्वेष नाशक है। तीन मुखी दीपक आपको संतान से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण कर देता है।
तो अगर आपको संतान से रिलेटेड कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप ये वाला मुखी, तीन मुखी दीपक आप जलाएं। इससे संतान से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या होगी उसका आपका निवारण होगा। अब बात करते हैं चार मुखी दीपक की। अगर आपके घर में आपको ये महसूस होता है कि आपके घर में अन्न की कमी है, या आपको ऐसा लगता है कि मंथली एक्सपेंडिचर्स, आपके मंथली जो आपके खर्चे हैं वो पूर्ण रूप से आपके पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको चार मुखी दीपक अपने घर में जलाना है। चार मुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इससे आपके घर में हमेशा अन्नपूर्णा माँ का वास रहेगा और उनकी अनुकंपा प्राप्त होगी। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में वैभव की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको इस दिवाली आपको चतुर्मुख दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करना है। इससे आप नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में जो आपको वैभव की चाह है वो आपको प्राप्त होने लगेगी। अब बात करते हैं छह मुख का जो दीपक होता है उसके बारे में। आप अगर छह मुख का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको अखंड ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। पर शास्त्रों में इसको घर में जलाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि इससे हमारे जीवन में वैराग्य आने लगता है। तो ये तो बात हुई कि कितने मुख का दीपक आपको प्रज्वलित करना है आपकी इच्छाओं के हिसाब से। अब आगे बात करते हैं कि दीपक हमें किस चीज का प्रज्वलित करना है, पर उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आज हम समझते हैं कि सनातन परंपरा में दीपक को इतना महत्व क्यों दिया गया। हालांकि आज का जो युग है वो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है और बहुत ही साइंटिफिक युग में हम जी रहे हैं, पर हमारे जो ऋषि मुनि थे वो तब ये बात हम लोगों को बता गए जो आज हमारे साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं। होता क्या है कि जब हम लाइट जलाते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो यानी बल्ब या ट्यूब लाइट, तो एक मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय शक्ति हमारे वातावरण में फैल जाती है और तरंगों के माध्यम से वो हमारे नर्व्स में पेनिट्रेट करती है, हमारी स्किन के माध्यम से, और फिर वो जो लाइट है वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होकर, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट या अल्ट्रा रेड या अल्ट्रा ब्लू या अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं, हमारे शरीर में रहती है। इसीलिए लाइट को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। अब आप खुद सोचिए कि लाइट कितना बड़ा पॉल्यूशन है जो जाने अनजाने हम इस मॉडर्न युग में कर रहे हैं। दीपावली पर पहले दीपकों से रोशनी होती थी, अब आर्टिफिशियल लाइट्स ने उसकी जगह ले ली है। ये कितना घातक है हमारे सिस्टम के लिए, ये आप खुद ही अब इसका अनुमान लगा सकते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब हम कोई बात अग्नि के करीब बैठकर करते हैं वो हमारे जहन में, हमारे साइकोलॉजी में हमेशा याद रह जाती है। आप देखें कि जब भी हम किसी कैंप फायर के किनारे या फिर कभी हम हवन कर रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन हमने वहाँ पे शेयर किया है वो हमारी मेमोरी में हमेशा रहता है, बहुत इफेक्टिवली रहता है और बहुत स्ट्रांगली हमें वो कम्युनिकेशन याद रहता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि अग्नि के तत्व में जो एथरिक स्फीयर क्रिएट होता है वो हमारे सेल्स को डिवाइनली हील करता है। पुराने जमाने में जो कमरे होते थे, खासतौर से पूजा का कमरा, उसमें बाहर की रोशनी कदापि नहीं आ सकती थी, उसमें सिर्फ एक दीपक प्रज्वलित रहता था। और पुराने जमाने की बात हम क्यों करें, आज भी अगर आप साउथ इंडिया के टेम्पल्स विजिट करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे प्रतिमा के आगे पूर्ण रूप से अंधेरा रहता है और प्रतिमा के आगे सिर्फ कुछ दीपक जल रहे होते हैं। इससे आप खुद सोचिए कि हमारी सनातन परंपरा कितनी सर्वश्रेष्ठ है और हमारे ऋषि मुनि हमें वो बातें तब बताकर चले गए जो आज हम ढूंढ रहे हैं। चलिए दोबारा बात करते हैं दीपक जलाना किस प्रकार से है। यूजुअली सभी घरों में घी का दीपक जलाया जाता है, तो घी का अगर आप दीपक जलाते हैं तो आप ओवरऑल हर तरह से सुखी एवं संपन्नता से पूर्ण रहेंगे और घी के दीपक जलाने से घर में आपके महालक्ष्मी का वास रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा विघ्न है, बहुत ज्यादा संकट आ रहे हैं, आपके जो काम है वो बन नहीं रहे, पूर्ण नहीं हो रहे, तो आपको एक नारियल के तेल का दीपक जलाना है और प्रारंभ कब करना है, इसी दिवाली से। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
जो आपको ध्यान रखनी है दीपक प्रज्वलित करते वक्त, वो ये है कि एक दीपक से दूसरा दीपक आपको कदापि नहीं जलाना है। बिल्कुल ये निषेध बताया गया है। यूजुअली हम क्या करते हैं, एक दीपक से दूसरा दीपक, दूसरे दीपक से तीसरा दीपक हम जलाते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको जरूर ध्यान में रखने वाली बात है। मेरे पास कई लोग आते हैं जिनको बहुत ज्यादा अनजाना भय लगा रहता है, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है उनके साथ, बहुत ज्यादा अनहोनी की आशंका उनको समेटे रहती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है। ये जब आप तिल का दीपक जलाएंगे तो ये पूर्ण रूप से आपके लिए भय का काम, भय नाशक का काम करेगा। तिल के तेल का दीपक आपको जीवन में आ रहे कोई भी अनिष्ट, किसी भी तरीके के अनिष्ट को निवारण करने की क्षमता रखता है। तो अगर आपको जीवन में घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, या जीवन में विघ्न आ रहा है, या आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस देवी देवता के लिए कौन सा दीपक जलाएं, तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे आप तिल का दीपक आप जला सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक बढ़ोतरी नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक तौर पे आप बढ़ोतरी ले सकें, तो आपको अरंडी के तेल का, जिसे कैस्टर ऑयल बोलते हैं, उसका दीपक जलाना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आप बहुत एक डिफरेंट लेवल पे अपनी ऊर्जा को आप महसूस करेंगे। तो इसके लिए आप कैस्टर ऑयल का दीपक जलाएं। अब बात करते हैं बीमारी की। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं या परिवार में कोई बीमार है, तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सरसों का तेल का आप दीपक प्रज्वलित करें और जो भी बीमार व्यक्ति है उसको बोलें कि थोड़ी देर उस तेल के दीपक के पास में बैठे। धीरे धीरे शन्ने शन्ने आप देखेंगे कि बीमारी आपकी खत्म होने लगी है। तो आज जो भी मैंने आपको दीपक से जुड़े हुए जो गुण बातें बताई हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गुप्त हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली से वो आप अपने जीवन में उतारें और उनका प्रयोग करके अपने जीवन में एक खुशहाली लाएं। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसी ही गुण बातें, ऐसी ही गुप्त बातें लेकर हम आगे भी आपके साथ आते रहें, तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करें। और मेरे साथ भी जो जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। श्री मात्रे नमः।